सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां की राजनीतिक में हलचल मची हुई है। मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। उनकी राज्यसभा चुनाव में भी उनका नाम चला था, हालांकि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वहीं अब अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इधर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने अपने तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स से अपने बायो से कांग्रेस नाम हटा दिया है और फिलहाल उनके नाम के आगे सिर्फ छिंदवाड़ा सांसद लिखा है। वहीं आपको बता दें, कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की सुगबुगाहट को देखते हुए अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कमलनाथ ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों में जब कमलनाथ से उनके भाजपा में जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में है, मेरी कल रात उनसे बात हुई है, वे छिंदवाड़ा में है। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी, आप उनसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि वो सोनिया गांधी के परिवार को छोड़कर जाएंगे। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है। और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए।